दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह का आयोजन 15 दिसंबर को दीक्षा भवन में किया जाएगा। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि प्रोफेसर ए.के. श्रीवास्तव होंगे और अध्यक्षता कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल के द्वारा की जाएगी, जिसके संबंध में सोमवार को मीडिया से रूबरू होते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा कि इस दौरान सत्र 2020-21 की स्नातक और परास्नातक कक्षाओं में सर्वाधिक अंक हासिल करने वाले 45 मेधावियों को कुलाधिपति महोदया के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सम्मानित होने वाले मेधावियों में 71% छात्राएं और 29% छात्र शामिल हैं। दीक्षांत समारोह सुबह 10 बजे से शुरू होगा। प्रेस वार्ता में कुल सचिव विश्वेश्वर प्रसाद और अनुश्रवण समिति की संयोजक प्रोफेसर शोभा गौड़ आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने कहा, ये बाद में होता। 40वां दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय आयोजित करने जा रहा है और ये आयोजन 15 दिसंबर को है। महामहिम ने 2 घंटे का स्लॉट दिया है, 10 बजे से लेके 12 बजे तक। पहले ये हम लोग का पहले ये लंच के बाद था, लेकिन ये एक दिन पहले ये व्यवस्था चेंज हुई है कि ये अब हमारा सवेरे होगा और शाम को होगा, उनका शायद 1:30 बजे से 1:30 बजे से। तो 10 से 12 रहेंगी, लंच करेंगी, उसके बाद फिर म्यूटी जाएंगी। तो ये चेंज आया है। इस अवसर पर जो मुख्य अतिथि हैं, मुख्य अतिथि प्रोफेसर ए.के. श्रीवास्तव जी हैं, जो पहले एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड के डेयर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन के अध्यक्ष थे, अभी भी सदस्य हैं। पहले वो वाइस चांसलर थे करीब 10 साल तक नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये राष्ट्रीय संस्था है। उससे पहले वो वाइस चांसलर थे वेटनरी यूनिवर्सिटी पटना। सबसे पहले पीएचडी में 35 शोधार्थियों को डिग्रियां दी जाएगी, जिसमें 9 छात्राएं हैं और 26 छात्र हैं। तो पीएचडी में लगभग 26% छात्राएं हैं और 74% छात्र हैं। मेडल 45 मेडल दिए जा रहे हैं जो रेगुलर मेडल है, और 76 हैं डोनर के। डोनर मतलब लगभग 121 हो गए। हम अक्सर जो ये मेडल देते हैं ये 45 को देते हैं, साथ ही साथ एक कई बार एक एक बच्चे को 3, 4, 5 मिलते हैं, तो सबको एक बार में बुला लेते हैं। अभी कुछ एडीसी से मेरी बातचीत चल रही है, तो लोग चाहते थे कि सबको अलग अलग दिया जाए। मेरे को लगता है समय का अभाव है, अगर समय में एडजस्ट हुआ करेंगे। उस पर मेरा बातचीत एडीसी से चल रही है। कला संकाय जो पीएचडी के बाद जो कला संकाय की करीब 24 डिग्रियां हैं, विज्ञान संकाय की 4 डिग्रियां हैं, वाणिज्य संकाय की 5 डिग्रियां हैं, शिक्षा संकाय की 2 डिग्रियां हैं। 2021 में प्रदान होने वाले जो यूजी एंड पीजी का जो उपाधियां हैं, विश्वविद्यालय परिसर में 6279 डिग्रियां हम लोग देंगे, जिसमें छात्राएं 3431 हैं, 55% हैं। छात्र 2848 हैं, 45% हैं। महाविद्यालयों में 59377 टोटल डिग्रियां हैं, 39673 डिग्रियां जो छात्राएं हैं, जो लगभग 67% हैं। और छात्र जो हैं 19714 हैं, 33% हैं। तो जो स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधियां में टोटल उपाधियां 66% लड़कियां हैं और 34% लड़के हैं टोटल डिग्री में।
मेडल में ये बाजी हमारी है लड़कियों ने लगभग 31% मेडल, सॉरी 71% 71% मेडल लड़कियों को गए और 29% मेडल लड़कों को गए हैं। 32 रेगुलर मेडल में 32 लड़कियों को गए हैं, 13 लड़कों को गए हैं, 76 डोनर हैं, ये भी इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मोहम्मद इरशाद अली को सबसे ज़्यादा मार्क्स स्नातक कला परीक्षा में प्राप्त करने पे मिला है, इनको कई मेडल मिले हैं, 5 पदक मिले हैं, एक विश्वविद्यालय पदक है, 4 डोनर का पदक है। ये मेल हैं, मोहम्मद इरशाद अली हैं, इनके पिताजी का नाम राजकुमार है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन था तो हम लोगों ने इसको चेक कराया, ये सही है, और कुछ मेरे को लगा कि कहीं गलती तो नहीं हो गई है फादर का नाम, तो बाद में कन्वर्जन का इशू है कुछ, तो ये सही है। 81.34% इन्होंने मार्क्स लिए हैं, 1800 में 1465 मार्क्स लिए हैं। छात्राओं में भी बीए में समरीन मुशर्रफ हैं, ये मुशर्रफ जहांगीर खां की बेटी हैं, इनका 80.22% मार्क्स है, 1444 मार्क्स इनको 1800 में मिला है, तो ये दूसरे स्थान पे हैं और छात्राओं में अव्वल हैं, दो अवार्ड मिल रहे हैं, मतलब वाइस चांसलर अवार्ड के अलावा जी इनको 2 अवार्ड मिल रहे हैं।